हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले बीएससी कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस फॉर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। अगर आप भी जो है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाने वाले बीएससी सीएस के लिए, वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर होता है, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले इस वीडियो में। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में आसान हिंदी में लाता रहता हूँ। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा रिप्लाई देते रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो वहाँ पे जो आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा, उसमें जो सेट थ्योरी वगैरह होती है तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब्जेक्ट होता है। उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट वन होता है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद सी, यहाँ पे जो आपको सी प्रोग्रामिंग एकदम बेसिक से सिखाई जाएगी। इससे पहले अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एकदम बेसिक से सिखाई जाएगी। उसके बाद आता है सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहले जो है वो आता है ग्राफ थ्योरी, आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद कैलकुलस आता है, तो ये भी होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ये भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है एडवांस सी, यहाँ पे पहले जो आपको बेसिक सिखाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एडवांस पार्ट सिखाया जाएगा सी लैंग्वेज का। और साथ में आता है कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट टू। तो ये सब्जेक्ट होते हैं, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर देना।